तो हेलो वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है पारस सिंह एंड आप देख रहे हैं पारस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्री यूसी इवेंट की या फिर यूसी कैशबैक इवेंट की। दो तरह के इवेंट है जो आ सकते हैं बीजीएमआई के अंदर। अब दो तरह के जो इवेंट है उनके बारे में तो मैं आपको बताऊंगा ही, बट दोनों में से एक कन्फर्म है वो आएगा, एक का मैं कन्फर्म कह नहीं सकता वो आएगा या नहीं। एक फ्री इवेंट है जिसमें फ्री यूसी मिलेगी एंड एक है जिसमें आपको कैशबैक यूसी मिलेगी। तो ये क्या है आपको मैं बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, मेरे इन्वेंट्री के अंदर देखोगे तो 84 क्रेट है एंड आपको पता होगा इस बार मैंने क्रेट ओपनिंग नहीं की थी। प्रीमियम की तो हमने कल की थी, बहुत ही शानदार गई, बट क्लासिक की हमने नहीं की थी क्योंकि क्लासिक वाले दिन मैंने कुछ और वीडियो डाल दी थी, इस वजह से मेरी पेंडिंग में रह गई। तो अब आप मेरे को ये बताओ कि मुझे क्लासिक की क्रेट खोलनी चाहिए या नहीं। मैं ये सोच रहा हूँ ना, मैंने जो दिमाग लगाया वो आपको बताता हूँ। देखो, चार दिन बाद क्लासिक की क्रेट जा रही है, मतलब कि नई क्लासिक की क्रेट आएगी एंड लीक्स भी निकल के आ गई हैं। तो मैं ये सोच रहा हूँ जो नई क्लासिक की क्रेट आएगी ना वही खोलता हूँ सीधा एंड ये वाली जो क्रेट है 30 खोल लेता हूँ, 10, 20, 30। 30 पे क्या होगा ना, तीन लेजेंडरी तो कन्फर्म है, एक आधी वैसे मिल जाएगी अगर लक होगा एंड जहाँ तक मुझे लग रहा है ये वाली डासिया मिल जाएगी मुझे एंड बैरल भी मिल सकती है एंड कोई ना कोई आउटफिट भी मिल जाएगी या फिर AWM मिल जाएगी या फिर M4 मिल जाएगी। इनमें से मेरे पास कुछ भी नहीं है तो मेरा फ़ायदा ही है खोलने में। आप बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए, आप जैसा बोलोगे वैसा कर देंगे हम। मेरे को कमेंट करके बताना मुझे खोलनी चाहिए या नहीं, क्योंकि मेरे पास 80 के आसपास क्रेट है, 84। अगर मैं 30 खोल भी देता हूँ फिर भी मेरे पास 50 बचेंगी एंड उसके बाद जब नई क्रेट आएगी तब तक मेरे पास 5-10 क्रेट और आ जाएंगी, तो 60 के आसपास उस टाइम भी हमारे पास होंगी, तो दोनों क्रेट ओपनिंग हो जाएगी अपनी। तो मेरा प्लान कैसा लगा आप मेरे को कमेंट करके बताना। अब मैं आपको बताता हूँ जो अपकमिंग इवेंट बीजीएमआई के अंदर आने वाला है वो कौन सा होने वाला है एंड इसका फ़ायदा क्या है। एंड बहुत ही कमाल का इवेंट है जिसमें आपको फ्री यूसी के साथ साथ यूसी कैशबैक भी मिलेगी। तो चलते हैं सीधा इवेंट के अंदर। अब जैसा कि आप देख सकते हैं मैं अपने दूसरे अकाउंट पे आ चुका हूं। अब मैं इस वाले अकाउंट में क्यों आया हूं वो भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। जैसा कि आप सभी को पता है जो इवेंट पबजी के अंदर पहले आता है वो थोड़े दिन बाद बीजीएमआई के अंदर आता है एंड वो कन्फर्म होता है। जैसे ग्रोइंग पैक, ये वाला जो ग्रोइंग पैक है जिसमें आपको पॉइंट के साथ साथ कूपन मिल रहे हैं साथ में यूसी कैशबैक मिल रही है, तो ये कन्फर्म है कि बीजीएमआई के अंदर आएगा। अब मैं आपको एक चीज और बताऊंगा ग्रोइंग पैक से रिलेटेड। यहां पर आप देखोगे आपको 300 यूसी लगा के 300 यूसी का कैशबैक मिल रहा है, साथ में आपको एक स्कारल की स्किन मिल रही है, ब्लैक वाली, जो कि काफी अच्छी स्किन है। अगर देखोगे आपने, अगर इस वाली स्किन को नहीं देखा, पहले आई थी, काफी अच्छी स्किन है, देखने में डिजाइन काफी अच्छा है। अब इसके बारे में एक चीज और आपको मैं बताना चाहता था। जैसे कि आपने नोट किया होगा जब भी AR गन आती है ग्रोइंग पैक के अंदर तो आपको 300 यूसी देनी पड़ती है एंड आपको 300 यूसी कैशबैक मिलता है। मैंने ये नोट किया इसलिए आपको बता रहा हूं, जब भी कोई AR गन आती है तो 300 यूसी देनी पड़ती है अपने को एंड 300 यूसी ही कैशबैक मिलता है। बट AR के अलावा अगर और कोई गन आती है जैसे UMP, UZ या फिर और कोई गन, तो हमें यूसी कैशबैक मिलती है, 200 यूसी लगा के 300 यूसी मिलती है। ये मैंने अभी नोट किया, मुझे मेरे किसी सब्सक्राइबर ने भी बताया था टैग करके इंस्टाग्राम पे। अब जब मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे ये बात बताई तो मैंने इसको फिर कंपैरिजन करके देखा जितने भी पुराने इवेंट आए उनके साथ, तो मुझे समझ में आया ये एक तरह से एक फैक्ट है, सही बात बोल रहा है बंदा। तो अब ये वाला जो इवेंट है वो बीजीएमआई के अंदर कब आएगा मैं आपको बता देता हूँ। इस इवेंट के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको 300 यूसी मिल रही है, साथ में एक स्कारल मिल रही है, साथ में 50 यूसी के वाउचर मिल रहे हैं जो कि किसी काम के नहीं है। अक्सर बंदे इसको वेस्ट ही करते हैं, मतलब यूज तो करते नहीं है। तो ये वाला इवेंट एक हफ्ते तक आ सकता है जहां तक मुझे लग रहा है बीजीएमआई के अंदर। बाकी एक चीज और आपको मैं बताता हूँ, जहां तक मुझे लग रहा है ना पबजी और बीजीएमआई के अंदर ना कंपटीशन चल रहा है, आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, शुरुआत से बताता हूँ। जैसे कि आप सभी को पता होगा जब क्राफ्टन अपना नया गेम लॉन्च कर रही थी पबजी न्यू स्टेट, तब आपने देखा होगा तब भी बहुत कंपटीशन चला था एंड जो क्राफ्टन है उन्होंने भी काफ़ी सारे इवेंट निकाले थे अपनी पबजी न्यू स्टेट को लेके। एंड जो पबजी है और बीजीएमआई है दोनों ने अपने न्यू इवेंट निकाले थे जिसमें आपको करेक्टर वाउचर काफ़ी सारे मिले थे, फ्री की आइटम्स काफ़ी सारी मिली थी, जिससे ये अपने जो यूजर्स हैं उनको अपने पास ही रखना चाहते थे। ये चाहते नहीं थे कि दूसरी गेम पे बंदे शिफ्ट हो। अब पबजी न्यू स्टेट इतनी अच्छी नहीं थी, मतलब खेलने में तो मज़ा उतना ही आता है जितना पबजी में आता है, बट क्या था ना उसमें वो वाली फील नहीं आ रही थी, समझ रहे हो। मैंने भी खेला, मुझे पता है ना।
तो उसमें वो वाली फील नहीं आ रही थी, तो इस वजह से ना PUBG न्यू स्टेट इतना कुछ कर नहीं पाई, बट आगे जाके काफ़ी कुछ वो करेगी जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि वो बहुत कुछ कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पर एक न्यू इवेंट आया PUBG के अंदर जो कि है 20 UC कैशबैक वाला, कैशबैक नहीं, अगर आप 60 UC खरीदते हो तो यहाँ पर आपको 20 UC का बोनस मिल जाएगा, फ्री में मिल जाएगी मतलब। उसके बाद अगर आप 600 UC खरीदते हो तो आपको 100 UC फ्री में मिल जाएगी, समझ गए। अब एक चीज़ यहाँ पर क्लियर करता हूँ, मैंने ऐसा क्यों बोला BGMI और PUBG के अंदर कंपटीशन चल रहा है, आप देखोगे BGMI अपनी क्रेट्स लेके आ रही है जो कि PUBG KR की तरह है, एंड अपने ही इवेंट ये लेके आ रहे हैं अलग अलग से, एंड इवेंट भी बहुत ही, अब जो रिवॉर्ड है दोनों गेम के सिमिलर हैं बट इवेंट के स्टाइल थोड़े से अलग हैं। एंड यहाँ पर मैं एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा आपको, जैसे कि आपने PUBG लक्की क्रेट देखी होगी तो इस वाली क्रेट के अंदर इन्होंने बहुत ज़्यादा गन्स दे दी, एंड BGMI वालों ने दी तो नहीं बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्रॉस हेड दे दिया साथ में, 2 गन्स दे दी जो कि मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। एंड PUBG के अंदर काफ़ी सारे अच्छे अच्छे इवेंट भी आ रहे हैं जहाँ से मुझे लग रहा है कि भाई ये कॉम्पिटिशन लड़ रहे हैं आपस में, अब इनके बीच में जो भी कॉम्पिटिशन चले बढ़िया बात है क्योंकि फ़ायदा तो हमें ही है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो आपको 20 UC मिल रही है साथ में, 100 UC मिल रही है साथ में, कितने सारे कूपन्स मिल रहे हैं और ये कूपन्स आप यूज़ कर सकते हो क्रेट ओपनिंग के लिए। अब काफ़ी सारे बंदे मेरे से ये भी पूछ रहे थे कि भाई BGMI के अंदर बोनस चैलेंज कब आएगा, तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अभी तो 6-7 महीने रुक जाओ, बोनस चैलेंज मेरे हिसाब से दूर दूर तक मुझे नहीं दिख रहा है एंड ना ही आएगा मुझे लगता है, जहाँ तक मुझे लगता है, बाकी तो भाई BGMI वाले ही जाने वो क्या करना चाहते हैं। एंड कॉम्पिटिशन की बात यहाँ से भी आपको पता चल जाएगी, PUBG के अंदर जो क्रेट्स हैं वो आप देखोगे एंड BGMI के अंदर जो क्रेट हैं वो आप देखोगे तो दोनों आपस में टक्कर ले रहे हैं। एंड यहां से भी आपको क्लियर हो जाएगा, जैसे कि PUBG के अंदर जो प्रीमियम क्रेट और क्लासिक क्रेट आ रही है, अभी इन्होंने जो क्लासिक क्रेट और प्रीमियम क्रेट के अंदर आइटम्स देना ना बहुत कम कर दिया है, मतलब लक फैक्टर को इतना कम कर दिया है कि आपका लक कभी चमकेगा ही नहीं, आप क्रेटे चमकाते रह जाओगे आपका लक नहीं चमकेगा। क्रेट इकट्ठी करो उससे सिल्वर फ्रैगमेंट बनाओ, सिल्वर फ्रैगमेंट इकट्ठे करो उससे क्रेट बनाओ, मतलब एक सर्कल सा चल रहा है PUBG के अंदर। बट BGMI वालों ने थोड़ा सा चेंज किया इसको और वो बेहतर बनने की कोशिश कर रहा है, उन्होंने लक को थोड़ा इंक्रीज किया है, मिथिक कितने सारे निकल रहे हैं क्लासिक हो चाहे वो प्रीमियम हो, जबकि PUBG के अंदर आज तक क्लासिक के अंदर कुछ ढंग का नहीं निकला, कुछ भी नहीं। ग्लेशियर निकलती है मानता हूँ, बट ग्लेशियर किन की निकलती है, सिर्फ 1% बंदों की, बट अभी जो क्रेट्स BGMI के अंदर आ रही हैं आपने देखा होगा उसमें लक फैक्टर इतना मतलब मजबूत कर दिया उन्होंने, लक इतना मजबूत कर दिया कि भाई आप अगर 50 से 100 क्रेट खोलते हो तो आप खुश होके ही जाओगे, आपकी क्रेट ओपनिंग सक्सेसफुल ही रहेगी, थोड़ी अच्छी ही रहेगी, आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा ही जिससे आप खुश हो जाओगे। बट PUBG के अंदर ऐसा नहीं था, PUBG के अंदर सिर्फ प्रीमियम क्रेट ऐसी थी जिसके अंदर इन्होंने ग्रांटेड आइटम वाला सिस्टम दे रखा था जिससे कि बंदे थोड़ा सा खुश हो जाते थे, बट क्लासिक के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था। एंड मैं काफ़ी दिनों से चाहता था कि क्लासिक के अंदर भी ये जो ग्रांटेड आइटम वाला जो सीन है वो आए एंड उसके बाद हमें कुछ ना कुछ अच्छा मिले, जो कि BGMI वालों ने पहले किया। एंड जहां तक इन सब चीज़ों को देखा जाए तो लग रहा है कि भाई ये दोनों आपस में कंपीट कर रहे हैं कि भाई लोग PUBG खेले, लोग BGMI खेले। अब मुझे तो ये पता है कि भाई जो BGMI खेलते हैं वो PUBG पे ट्रांसफ़र नहीं होंगे, कौन पागल होगा जो VPN लगा के खेलेगा। हाँ कुछ बंदे खेलते हैं जिनको PUBG से प्यार है बट उनका मैं कुछ कह नहीं सकता, बट BGMI वाले और PUBG वाले आपस में क्यों इतना मतलब झगड़ मगड़ कर रहे हैं मुझे नहीं पता। बट आपने देखा होगा, आपने सिक्योरिटी सेंटर वाला सिस्टम देखा होगा, बैन पैन जिसे हम कहते हैं, वो PUBG का है, बट PUBG वालों ने अभी तक BGMI वालों को ये वाला फीचर नहीं दिया। अब ये सब उन्हीं को समझ में आएगा जो कोडिंग करते हैं या फिर जिनको कोडिंग की नॉलेज है, अब ये पूरी कोडिंग कर रखी है इन्होंने, है ना, ये चाहे तो BGMI वालों को अपनी कोडिंग दे सकते हैं, वो ये वाला फीचर सीधा लॉन्च कर सकते हैं अपनी गेम के अंदर, बट Tencent वालों ने ये फीचर उन्हें नहीं दिया है ना BGMI वालों को। BGMI वाले अपना बैन पैन बनाने की कोशिश कर रहे हैं काफ़ी दिनों से, एंड काफ़ी हद तक उन्होंने हैकर्स को बैन भी किया एंड गेम को काफ़ी अच्छा भी किया, बीच में फिर से हैकर आ गए, फिर से बैन हुए, तो थोड़ा टाइम लगेगा गेम को सुधरने में, बट ये आपस में क्यों लड़ रहे हैं, दो कंपनी है, सिंपल सी बात है, वो कंपनी चाहेगी मेरी कंपनी बड़ी हो, क्राफ्टन चाहेगी मैं बड़ा हूँ, Tencent वाले चाहेंगे मैं बड़ा हूँ, तो इस वजह से मुझे जहाँ तक लग रहा है ना ये दोनों आपस में ही लड़ रहे हैं जहाँ तक मुझे लग रहा है, बाकी आपको क्या लग रहा है मुझे नहीं पता, आप मेरे को बताना मेरे बात से कौन कौन सहमत है, बाकी हमें क्या, लड़ो भाई लड़ो, फ़ायदा तो हमारा ही है, अगर ये दोनों कंपनी आपस में लड़ेंगी तो इवेंट हमें ही मिलेंगे, फ़ायदे हमें ही मिलेंगे जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी ये वाला जो ग्रोइंग पैक वाला इवेंट है वो आ जाएगा 1 या 2 हफ्ते के अंदर अंदर जहाँ तक मुझे लगता है, बाकी ये वाला जो इवेंट है इसके बारे में मैं कन्फर्म नहीं हूँ, जिसमें आपको UC परचेज करने पे एक्स्ट्रा UC मिल रही है ना, इसके बारे में मैं कंफर्म नहीं हूँ। एंड प्रीमियम क्रेट भी आने वाली है 10 दिन बाद, नहीं
जो कि मैंने लीक्स डाल दी थी। एंड क्लासिक रेट की लीक्स किसको किसको चाहिए, न्यू क्लासिक रेट BGMI के अंदर आने वाली है एंड पबजी के अंदर भी आने वाली है। अब दोनों की जो क्लासिक रेट है वो अलग अलग होने वाली है, पहले ही आपको क्लियर कर देता हूँ। जिसको लीक्स चाहिए मेरे को कमेंट कर देना, मैं डाल दूंगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। एंड अगर आपको मेरी बातों से कुछ भी समझ में आया या फिर सीखने को मिला या फिर फायदा हुआ तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।